बड़ी खबर बैतूल से मिल रही है, जहां कांग्रेस नेत्री ने एसपी से शिकायत की है। नेत्री की आपत्तिजनक पोस्ट सोशल मीडिया पर डालने का आरोप लगाया गया है। बीजेपी नेता लतेश पवार पर पोस्ट डालने का आरोप लगाया गया है और वहीं इस पूरे ही मामले में एसपी ने जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तो बड़ी खबर बैतूल से मिल रही है, जहां कांग्रेस नेत्री ने एसपी से शिकायत की है। नेत्री का आरोप है कि आपत्तिजनक पोस्ट सोशल मीडिया पर डाला गया है और बीजेपी नेता पर इस पोस्ट को डालने का आरोप यहां नेत्री ने लगाया है। इस पूरे ही मामले में एसपी ने जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अतिन खरे हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अतिन, खबर मिल रही है कि कांग्रेस नेत्री ने एसपी से शिकायत की है, क्या है पूरा मामला? जी, कमलनाथ जी का जो दौरा था बैतूल में, उस दिन से ये महिला नेत्री जो है कांग्रेस की और सभी नेतागण अन्य लोग आए हुए थे और उस समय वो मंच पे सब बैठे हुए थे और ये पूरा दौरा होने के बाद करीब एक दिन बाद भाजपा के एक नेता ने महिला नेत्री जो कांग्रेस की उनको लेके कुछ आपत्तिजनक पोस्ट फेसबुक पे डाल दिए, जिसमें उनका और एक पूर्व विधायक कांग्रेस के उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में? जिस तरह से कांग्रेस नेत्री ने एसपी से शिकायत की है, उनका क्या कुछ कहना है? जी, आज महिला नेत्री जो है कांग्रेस की वो बैतूल पहुंची है और उन्होंने खुद शिकायत की है सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ। एसपी ने इस मामले में पूरी जांच करके कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। जी, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो इस पूरे ही मामले में एसपी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है।